आज हम चाट के लिए तीन तरह की चटनी बनाएंगे, जिसमें मीठी सौंठ की चटनी है, अदरक लहसुन की चटनी है और हरी चटनी है। पहले हम बनाएंगे सौंठ की मीठी चटनी। उसमें मैंने ये 1 कप इमली का पल्प लिया है, उतना ही 1 कप जितना गुड़ लिया है। इमली का पल्प डाल देंगे, फिर उसमें इतना ही गुड़ डाल देंगे, ये इस तरह से गुड़ और इमली जब मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसमें सौंठ का मेन प्रिपरेशन है, ये मीठी सौंठ की चटनी है। दो से तीन मिनट में गुड़ पिघल कर इस तरह से सुंदर कलर आ गया है इस मीठी चटनी का। अब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे, 1/4 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और हिमालय सॉल्ट यूज़ करेंगे, जो सोडियम लेवल और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से हमारी मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है। इसको थोड़ा पतला रखेंगे तो भेल वगैरह में जब डालते हैं तो ये अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। अब हम लहसुन की चटनी बनाएंगे। इसमें मैंने साबुत लाल मिर्ची 2 घंटे पहले सोख करके रख दी है पानी में। इसको पीस लेंगे बारीक पेस्ट। इसी में ही 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और 5-6 क्लोव्स लहसुन की डालेंगे। इस तरह से ये पिस कर तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा गरम कर लेंगे। पैन में पहले 1 टीस्पून जितना तेल डालेंगे। फिर ये मिर्ची और गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। ये जब गरम होने लगेगा इसमें थोड़ा सा पानी चाहिएगा। अब इसमें थोड़ा आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे। सोया सॉस और एप्पल साइडर विनेगर से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच हिमालय सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून। इस तरह से गार्लिक चटनी बनकर तैयार हो जाएगी, जो चाट के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। कोई भी चाट में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे बॉम्बे स्पेशल सेवपूरी चाट में यूज़ करूँगी। इस तरह से गार्लिक लहसुन की चटनी तैयार हो गई है, जो बहुत ही अच्छी लगती है।
चटनी बनाएंगे जिसमें मैं पालक ले रही हूँ, जो बहुत हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। पालक, पुदीना और धनिया पत्ती, और इसमें 2 स्लाइस ब्रेड डालूंगी। ये सब मैंने धो के साफ करके रखा हुआ है। ये सारी चटनी को आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, रोज के खाने में, चाट में, सैंडविचेस में। इसमें एक अदरक का टुकड़ा डालूंगी, 2 से 3 हरी मिर्ची लेंगे, और ये 5-6 गार्लिक लेंगे, क्लोव्स। इसमें हम लोग ब्रेड यूज कर रहे हैं क्योंकि चटनी पतली नहीं रहती है, अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है, महीना भर तक खराब नहीं होती। इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालते ही चटनी का कलर बहुत ही सुंदर हो जाता है। और 1.5 चम्मच, 1.5 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये इस तरह से बनेगी। ब्रेड और नींबू से इसका कलर बहुत ही सुंदर हो जाता है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह हमारी ये तीनों चटनी बनकर तैयार हो गई है। आप रोज के खाने में और चाट में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की चाट भी यूज कर सकते हैं।